भारत एक ऐसा देश है जो लगातार सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और एक एक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती जा रही है। बात चंद्रयान 1, 2, 3 की हो या आदित्य 11, आपने चंद्र मिशन के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन बात शुरू होती है आदित्य 11। आखिर आदित्य 11 है क्या और इसका क्या मिशन है? तो आदित्य 11 भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है जिसका उद्देश्य सूर्य की अध्ययन करना है। अब इतना कुछ जान ही लिए हो तो थोड़ा सा उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो आदित्य 11 मिशन प्राथमिक उद्देश्य सूर्य की बाहरी परत जिसे सौर कोरोना के नाम से जाना जाता है का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य सौर कोरोना के गर्म होने और सौर हवा के त्वरण के लिए जिम्मेदार मूलभूत प्रक्रियाओं को समझना है। अब बोले भाई इनकी लॉन्चिंग हुई कहां से? तो इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो द्वारा PSLV-XL रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। अब इसे लॉन्च करने की तारीख नहीं मिल रही थी तो भैया जब इन्होंने तैयार कर लिया तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च भी कर दिया। भारत को एक से एक खुशी मिल रही थी। कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च की गई थी जो कि सफल हुई और उसका रोवर और लैंडर अभी भी चांद की सतह पर सैर कर रहा है। आदित्य 11 में कई वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिनमें एक दृश्य उत्सर्जन लाइन क्रोनाग्राफी और एक पैराबैग्निक इमरजेंसी टेलीस्कोप शामिल है। ये उपकरण वैज्ञानिकों को सूर्य के कोरोना और उनकी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण और विश्लेषण करने में मदद करेगा। इस मिशन में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां और संगठनों के साथ सहयोग शामिल है। अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए सूर्य के व्यवहार और सौर हवा को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि सौर गतिविधियां पृथ्वी पर उपग्रह संचार, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड को प्रभावित कर सकता है। एल्वन की सफल लॉन्चिंग पर झारखंड में भी काफी उल्लास देखा गया। आदित्य 11 मिशन में झारखंड के आदित्य और उदयपुर के अनिल ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई। झारखंड के गवर्नर सीपी राधा कृष्ण और सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्य 11 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी। एक साथ डबल ऑफर वाला धमाका भारत में ही मुमकिन है। जब पूरा देश चंद्रयान 3 की खुशियां मना रहा था इसी बीच आदित्य 11 की भी लॉन्चिंग कर दी गई।